सो हे गाइस यार, स्वागत करता हूँ आपका एक और न्यू गेम प्ले वीडियो के अंदर। तो आज हमें इनविटेशन आया है एक न्यू गेम की ओर से, जिसका नाम है कैफ ऑनर सिमुलेटर। तो आज अपन ये खेलने वाले हैं, तो डायरेक्ट इस गेम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये गेम कैसा है। तो हमने न्यू गेम पे स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, माई फादर हैज बीन इन द रेस्टोरेंट बिजनेस ऑल हिज लाइफ, मतलब कि इसके फादर ने पूरा लाइफ अपना इस रेस्टोरेंट के अंदर बिता दिया है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है और इन्होंने सोचा कि सेकंड रेस्टोरेंट खोल लें। जैसे ही इन्होंने सेकंड रेस्टोरेंट खोला तो इनकी तबीयत नासाज हो गई। उसके बाद में इन्होंने सोचा बिल वगैरह पे कैसे करेंगे, तो उनका जो रेस्टोरेंट है आई थिंक वो बंद हो गया, इसी टाइप का कुछ है। तो मैं वो पढ़ना नहीं चाहता, आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, डायरेक्ट यार इसके अंदर चलते हैं गेम के अंदर और देखते हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा, वो काम अपन करेंगे। मंडे न्यू डे, तो हमारा मंडे है जो कि गाइस न्यू डे है, मेरे को आज पता चला, और आज भी मंडे है तो हमने मंडे से ही मंडे का गेम स्टार्ट किया है। यहाँ पे लिख रखा है वेलकम टू कैस्टल लैक, वेलकम टू द कैस्टल लैक, हार्ड योर प्लान समथिंग समथिंग, विश यू ए गुड लक और बिजनेस, ये कह रहा है बिजनेस। और तीन तीन फोन है यहाँ पे, अजा अबा जबा, हम कुछ को भी फोन कर सकते हैं। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं अंदर, अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है ना, पर देखें इसके ग्राफिक्स भाई साहब A1 है। तो यहाँ पे लिख रखा है होल्ड लेफ्ट, ओके होल्ड लेफ्ट टू स्पीड अप, अच्छा शिफ्ट, वाह, टू ओपन टैबलेट प्रेस टैब, ओके टैब से टैबलेट ओपन होता है, अब पता चल रहा है। तो अभी यहाँ पे आ तो गए हैं हम ई से इनको हटा सकते हैं, ओ माई गॉड, और अपन अंदर आ गए हैं, हमारा टास्क जो कि कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में लिख रहा है इफ़ यू नीड फाइंड द इलेक्ट्रिकल रूम एंड द टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी, ओके अपन को इलेक्ट्रिक रूम ढूंढना है जो कि अभी 2 मिनट के अंदर ढूंढ लेंगे यार, अपन को कुछ ज़्यादा नहीं करने का दिक्कत, अभी 2 मिनट के अंदर अपन रूम ढूंढ लेंगे। रूम कहाँ पे हो सकता है, ये रहा, ये देखो आई थिंक यही रूम होगा, इसके अंदर डायरेक्ट चलते हैं। और उसके बाद में ये टास्क भी अपने कंप्लीट कर लिया, टास्क करने में बहुत माहिर है। अब लिख रहा है रिमूव ऑल गार्बेज, ओके गार्बेज को रिमूव करना है, पर लेकिन यार इसके जो ग्राफिक्स है वो मेरे को बहुत बढ़िया लग रहे हैं यार, गार्बेज आ जाबे, ओके गार्बेज को अभी देखो, अभी सारे के सारे गार्बेज, इसको अंदर कैसे डालू, ओके अंदर डालने का भी पता चल गया, अभी देखना यहाँ पे सारा कुछ साफ कर देंगे। तो गाइस सबसे पहले मैं इन सभी को साफ कर देता हूँ और आपका टाइम विदाउट वेस्टिंग के आगे लेके चलता हूँ। तो गाइस यार हमने अपना पूरा ये गार्बेज वगैरह सब कुछ साफ कर लिया, आप देख सकते हो कितना प्यारा लगने लग गया, इधर उधर जंगल्स वगैरह भी है, जंगल्स वाह क्या बात है, जंगल वगैरह भी है और यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे जानवर देखने को मिलते हैं। और अभी अपने सब कुछ साफ कर लिया, अब ये बोल रहा है कि विंडो को सही करना है, उसके बाद में रूफ को सही करना है, तो सबसे पहले विंडो को सही कर देते हैं, अभी देखो 2 मिनट के अंदर विंडो को भी सही कर देते हैं, ताकि यार क्या हो कि हमारा रेस्टोरेंट है जो कि और भी बढ़िया लगने लग जाए। अरे बार लगा दे बे, अरे लगा दे, ये क्या हो, लगा क्यों नहीं रहा, अरे यार क्या यार इतना टाइम लगेगा, तब तो हमारा टाइम सारा ऐसे ही में लग जाएगा। अभी हमारे पास में डॉलर कितने, वो कहाँ पे दिखा रहा है यार, 15,000 समथिंग कुछ डॉलर है, अभी लग जा गले, हाँ ये लग गया है। अभी और है क्या यहाँ पे, इधर तो नहीं है, उधर वाली साइड होंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इन सभी को लगा के उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ कि आगे और क्या क्या बचा है। तो गाइज हमने विंडो तो लगा दी है, आप देख सकते हो, अभी यार अपन को लगानी है रूफ, तो अपन को डायरेक्ट चलना है ऊपर, ऊपर कहाँ पे, ये रही सीढ़ियां, तो यहाँ से डायरेक्ट यार ऊपर चलते हैं, ऊपर चलने के बाद में यहाँ पे ई आ रहा है ना, हाँ ओहो मारने से ही तैयार हो रही है, वाह क्या बात है, मारने से ही तैयार हो जाए, क्या ही ऐसी हमारी भी घर की रूफ हो, तो अपन हथौड़ा लेके बैठ जाए और दिन भर इस पे मारते रहे। और आप देख सकते हो कलर भी ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो अभी यार सब सारों पे मार देंगे, मेरे को इसको मारने में बहुत मजा आ रहा है वैसे, आहा क्या बात है, अभी 2 मिनट में इसको मारते हैं। और साइड से हो रखी है ना, हाँ ये यहाँ से हो रखी है, इधर से हो रखी है, और इधर इधर वाली साइड देखो यार कितनी बुरी लग रही है, और ये ऐसे कैसे हो रखी है टाइल्स वगैरह, तो इधर वाली साइड मार बे, इधर वाली साइड तो हमने पूरी की पूरी अच्छे से कर दी है। और अभी यार रेस्टोरेंट मेरे को स्टार्ट करना है, जब तक हो सके तो नीचे ना गिर जाइयो। तो अभी अपन ने यहाँ पे भी ये वाली भी चीज़ कर दी है, रूफ भी पूरी हो गई है क्लियर, और डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं कि हाँ डायरेक्ट नीचे जा सकते हैं, तो रूफ हमने पूरी क्लियर कर दी है। अब बारी है फाउंडेशन ब्लॉक की, अच्छा तो ये रहे हमारे फाउंडेशन ब्लॉक, तो अभी यहाँ पे ये लगा देते हैं, लग जा, हाँ ये लग गई, मतलब टाइल्स भी देखो कितनी खराब हो रखी है, टूट फूट हो रखी है। तो गाइज हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो गया है टाइल्स वाला, तो अब ये बोल रहा है ओपन टैब एंड यह क्या है यार, पेंट द वॉल्स, ओके पेंट द वॉल्स ऑवेस ऑन, ये कौन सा यार ऑवेस ऑन क्या होता है, तो अभी अपन को पेंट करना है या फिर वॉलपेपर, अपन लगाएंगे यार वॉलपेपर, क्योंकि पेंट करने में मेरे को बहुत ज्यादा ही आवस ऑन, ओहो अमेजोन, तो इसके अंदर पेंट्स देखना पड़ेगा, पेंट नहीं लगा के अपन वॉलपेपर लगा लेंगे। यार वॉलपेपर कहाँ है, एक्सप्लोरिंग बिल्डिंग कलरिंग फ्लोर, ओके वॉलपेपर, ये पिक्चर्स है यार, वॉलपेपर कहाँ है, पिक्चर्स ही होते हैं क्या यार वॉलपेपर, क्या पता लगा लूँ क्या, ये फालतू में पैसे ना लग जाएं यार हमारे फ्लोर, ये रे वॉलपेपर, हाँ ये है, तो अपन को वॉलपेपर लगाने, कोई अच्छा सा वॉलपेपर होना ताकि बढ़िया लगे अपना ये। तो अभी यार रेस्टोरेंट के अंदर कौन सा अच्छा लगेगा वो तो यार मेरे को इतना पता नहीं है, क्योंकि मैंने रेस्टोरेंट कभी
यूज़ नहीं किया, तो ये आ गए हैं अपन। तो अभी इस पर कलर करके देखते हैं कैसा लगता है। ओ माई गॉड, मस्त लग रहा है यार। तो अभी सारों पे कलर कर देते हैं और उसके बाद में आपसे मिलते हैं कि कैसा लगेगा। तो गाइज हमारा एक और टास्क कंप्लीट हो गया है पेंटिंग वाला। अभी मैं आपको पीछे मुड़ के दिखाता हूँ कैसा लग रहा है। तो अभी आप देख सकते हो यार हमारा कुछ ऐसा लग रहा है रेस्टोरेंट। अभी यार आ गया, लेट्स गेट टू द मेन्यू। ओपन टैब एंड मेन्यू और एंड एड द लीड्स 5 आइटम, मतलब 5 आइटम हमें मेन्यू से ऑर्डर करने हैं। तो अपन डायरेक्ट चलते हैं मेन्यू के अंदर। मेन्यू क्या है ब्रो? तो ये रहे मेन्यू। तो इसके अंदर अपन ऐड कर लेते हैं, एक पिज्जा ऐड कर लेते हैं, एक सुशी ऐड कर लेते हैं। सुशी क्या होता है भाई? एक सुशी ऐड कर लेते हैं और उसके अलावा एक ये, और पैसे कम ना पड़ जाएं, वैसे सारे $5 के हैं। एक तुर्की ऑर्डर कर ले, अरे हो क्यों नहीं रहे, तुर्की ऑर्डर कर लेते हैं एक ये। तो हमारे 5 ऑर्डर हो गए हैं। अभी अपन को इनको लेना कैसे वो मेरे को नहीं पता, पर अभी डायरेक्ट चलते हैं बैक आई थिंक ना। तो गाइस हमने अपने फूड्स ऑर्डर कर लिए, आप देख सकते हो ये रहे। तो इनको उठाते हैं और ये क्या आ रहा है, फील और ड्रॉप। ओके अपन को पता चल गया है, पहले यहाँ पे ड्रॉप करना पड़ेगा। और ये गेट खुल रहा है क्या? हाँ यार ये गेट खुल रहा है, फ्रीजर के अंदर रखना है। तो फ्रीजर के अंदर एक हमने रख दिया, टास्क कंप्लीट हो गया हमारा। पर लेकिन हमें सारे के सारे डब्बे अंदर रखने पड़ेंगे ना, वरना यार खराब वगैरह हो जाएंगे। जैसे कस्टमर आएंगे तो उनको खराब चीज़ तो अपन देंगे नहीं। तो अभी डब्बे सारे अंदर रख देते हैं अपने सामान के, और मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ये, ताकि आपको यार बोरिंग वगैरह फील ना हो, क्योंकि ये लाने ले जाने के अंदर अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। इसलिए मैं यार क्या करता हूँ कि इन पार्ट्स को स्किप कर देता हूँ, और जो मेन पार्ट्स है वही आपको दिखाता हूँ। तो अभी डब्बे रख के जा रहे हैं अंदर, पर डब्बे दिख नहीं रहे। अच्छा डब्बे इस साइड रख उस साइड रहा हूँ, दिख इस साइड रहे। देखा ये ऑटोमेटिकली ऐसा होता है। तो अभी एक डब्बा हो रहा है, उसके बाद में देखते हैं कि आगे हमें क्या करना है। जैसे जैसे हम कंप्लीट करते रहेंगे, और ऊपर एक स्टार है, मतलब कि हो सकता है कि हमारा जो लेवल है वो अभी तक 1 ही हो। तो ये हमने कर दिया है, इसको अपन बंद कर देते हैं, हो जावे बंद। अब यार आ गया हमारा नेक्स्ट टास्क, जो कि गाइस है सेटअप एक कैश रजिस्ट्रेशन, एक किचन टेबल एंड ओवन एंड ए रेफ्रिजरेटर। मतलब इन 3 चीज़ों को अपन को लेना है। उन्हें लेने के लिए हमें टैबलेट्स के अंदर जाना है, ऑसम अदर के अंदर जाना है। प्रेस ई विल एमिंग एट ओके। तो हम यहाँ पे आ गए हैं, अभी अपन डायरेक्ट चलते हैं अदर्स के अंदर। तो अभी ये लेना है ना अपन को, एक फ्यूज़ लेना है। तो सबसे पहले फ्यूज़ लें, उससे पहले यार अपन को और क्या लेना था, एक कैश रजिस्ट्रेशन। कैश रजिस्ट्रेशन कहाँ है, ये रहा यार कैश बॉक्स, आई थिंक यही होता है कैश रजिस्ट्रेशन। $500 का है, तो ये हमने ले लिया है। और ये घूमता कैसे है, और ई से घूमता है। ओके इसको घुमा देते हैं इसको, और इसको रखे कहाँ ताकि थोड़ा अच्छा लगे, रखे कहाँ, यहाँ पे तो नहीं रख सकते, मतलब एंट्रेंस पे रखे ना, ताकि जैसे ही वो लोग कोई भी आए तो डायरेक्ट यहाँ पे पेमेंट कर सके। और इनको रख देते हैं यहाँ, ओके तो इसको रख देते हैं यहाँ। तो टेबल के उस साइड पहले देखें तो सही कैसा लग रहा है। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है, आप देख सकते हो यार बहुत बढ़िया लग रहा है। अभी अपन को क्या करना है, अभी अपन को वापस से अदर पे जाना है, और ये सस्ता सा अमेजोन पे जाना है, और अदर पे जाना है। अदर कहाँ है, ये रहा। और हमको एक स्विच लेना है, जो कि गाइस लगाना है यहाँ, अगर लगे तो। वैसे तो नहीं लग रहा है, ओके यहाँ लग रहा है, वहाँ उस साइड लग जावे, ओके। तो ये हमने फ्यूज़ भी लगा दिया है। अभी बात करते हैं इसकी, तो ये हमें चाहिए वायर, और ये डाल देते हैं इसके अंदर। तो ये हमने लगा दिया वायर, ओके ये सारा स्टार्ट हो गया है। अभी अपन को क्या चाहिए, अभी अपन को चाहिए किचन टेबल। ओके किचन टेबल ले लेते हैं डायरेक्ट, यार इसके अंदर चलते हैं। और ये किचन टेबल कहाँ देखने को मिलेगी, किचन टेबल कहाँ हो तुम? ये रहा किचन का सामान, ये रहे किचन के टेबल्स, जो कि गाइज अभी तक अपन के पास में कोई स्टॉक है नहीं, तो ऊपर वाला ही लेना पड़ेगा अपन को, 250 वाला। तो ये अपन ने ले लिया है। और किचन हम रखेंगे यहाँ, किचन का सामान हम रखेंगे यहाँ, बहुत बढ़िया लगेगा यार, क्योंकि वहाँ पे डिनर वगैरह कर लेंगे लोग, वो क्या कहते हैं आगे की ओर, और किचन वगैरह को तो पीछे रखना पड़ता है, तो अपन किचन को रख देते हैं यहाँ। तो गाइज हमने यहाँ पे किचन टेबल लगा दिए, किचन टेबल के लिए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद में यार आता है किचन टेबल हो गया एंड ओवन एंड ए रेफ्रिजरेटर। तो हमें एक रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा। तो अपन डायरेक्ट वापस से अपने सस्ते इसके अंदर आ जाते हैं, और देखते हैं रेफ्रिजरेटर कितने का है। भाई साहब नोटिफिकेशन हटा लो, और रेफ्रिजरेटर ऊपर नहीं है। कैश बॉक्सर है, फर्नीचर है, लाइट है, लैंप है, टॉयलेट है, रेफ्रिजरेटर कहाँ मिलेगा वो मेरे को नहीं पता है। तो गाइज अपन को यहाँ पे एक फ्रिज रखना पड़ेगा, और फ्रिज को ही रेफ्रिजरेटर में वो बोलते हैं, ये मेरे को थोड़ी देर बाद पता चला। तो ये हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, पर लेकिन इसमें अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। तो इस इलेक्ट्रिसिटी के लिए अपन को वापस से इसके अंदर जाना पड़ेगा, अमेजोन के अंदर जाना पड़ेगा, हेल्पिंग के लिए अदर के अंदर जाना पड़ेगा, यहाँ पे जाना पड़ेगा। और इसका एक स्विच है, जो कि अपन कहाँ लगाएं इसी के पास लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया यहाँ पे, और ई दबाते हैं और डायरेक्ट इसका कनेक्शन दे देते हैं इसको। तो हमने यार सारे के सारे फ्यूज़ वगैरह बहुत ही प्यार से लगा लिए हैं, सब कुछ रेडी है। अब यार आ रहा है इंस्टॉल एक किचन हुड ओवर द स्टोव एंड ए सिंक एज वेल एज 2 टेबल्स। ओके तो अभी अपन को यार यहाँ पे लगाना है सिंक। तो ये तो सिंक है नहीं, ये कॉकरोच कहाँ से आ गए बे,
कॉकरोच 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 को हटाने के लिए यार वो लेना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं उसको, उसको 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 वो किसके अंदर आएगा, टूल्स के अंदर आएगा, इसको बाय करना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा और इसको यहाँ से कॉकरोचेस को हटाना पड़ेगा। हटा दे वे। तो गाइज हमने कॉकरोचेस को हटा दिया है। अभी यार किचन हुड इंस्टॉल हो रखा है और ओवर द स्टोव, ओके स्टोव ओवर हो सका है, एक सिंक लेनी है। तो अभी डायरेक्ट चलते हैं वापस इसके अंदर और वापस से ऊपर की ओर चलते हैं किचन के अंदर। सिंक का है ये रही सिंक, तो किचन एंड सिंक तो ये यहाँ पे आ गई है। तो ये इसको भी यार यहीं पे रखेंगे ताकि सारे के सारे पास में हो जाए। तो ये रही यहाँ पे एक सिंक लगा देते हैं। तो ये हमने लगा दी सिंक, तो सिंक भी हमारी लग गई है। अब लगानी है दो टेबल्स, तो टेबल्स अपन लगाएंगे यहाँ ताकि बाहर का नज़ारा यार आराम से लोग देख सकें। तो टेबल्स आ गई है वापस से, कहाँ पे किचन है ये, तो टॉयलेट्स वगैरह अभी कहाँ, टॉयलेट्स यार कुछ खाया ही नहीं, पहले टॉयलेट कैसे आ जाएगा। तो गाइज हम टेबल के अंदर आ गए हैं, बहुत महंगी महंगी है अभी हमारे पास में, 10,000 के करीब डॉलर है। तो इतने तो अपन लेंगे नहीं, कोई सस्ती सी टेबल लेंगे अभी तो, या ये वाली नहीं लेंगे। तो अभी यार मैं कौन सी लूँ यार जिससे कि आराम से हो जाए, ये ले लूँ है ना, ये थोड़ी अच्छी लगती है। वैसे तो ये 500 की है, ये 450 की है, 500 के अंदर अपन चार लोग बैठ सकते हैं। तो ये 500 वाली ले लेता हूँ और इसको लगा देता हूँ यहाँ, अरे थोड़ा सा यहाँ एक, और दूसरी कहाँ लगाऊँ, लग जावे यहाँ पे। तो हमने दोनों लगा दिए और हमारा टास्क जो कि गाइस कंप्लीट हो गया है। अब आ रहा है हायर एक वर्कर, ओके वर्कर को हायर करना है, किचन टेबल एंड इंस्टॉल टू लैंप्स, ओके किचन टेबल के लिए वर्कर्स को हायर। ये हमने वर्कर्स ले लिए और वर्कर के अंदर स्टेमिना बहुत बढ़िया है इन सभी का। और एक किसको रखें यार, इसको रखें हायर करें, इसको $60 $6, ओ माई गॉड बहुत ज़्यादा महंगे लोग हैं यार ये, तो $7 ले रहे हैं, ये $5 ले रहा है यार। एक बार इसको रख देते हैं, पर लेकिन जिसकी वर्किंग स्पीड बहुत स्लो है, तो वर्किंग स्पीड जिसकी ज़्यादा है वही रखेंगे यार, कोई नहीं तो इसको अपन रख देते हैं। तो ये हमने रख दिया है। अभी अपन को लिए लैंप, तो अपन को लैंप लगाने और लैंप के लिए वापस इसके अंदर आ जाते हैं, लैंप के अंदर आ जाते हैं और लैंप थोड़ा बढ़िया लगाएंगे ताकि थोड़ा अच्छा लगे यार अपना रेस्टोरेंट। तो अपन ये वाले दीवार वाले लगाएंगे, देखते हैं कैसे लगते हैं, लग जावे। इसको थोड़ा घुमा देते हैं, तो एक यहाँ पे, ओके, और एक बीच में लगा देते हैं कहीं, एक बीच में यहाँ पे। तो हमने दो लगा दिए लैंप जो कि गाइस बहुत बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, पर लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो इसको एक बार टैग कर सकते हैं क्या, अरे टैग हाँ। तो अभी इसको उठा लेते हैं और इसको बीच में लगाएंगे कहीं ताकि थोड़ा बढ़िया लगे। तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, अभी ठीक है, अभी सब कुछ परफेक्ट है। अभी यार आ रहा है इंस्टॉल टू बायो टॉयलेट्स, ओके आउटसाइड बायो टॉयलेट्स, ये क्या कह रहा है यार, ये बोल रहा है लिसन बॉस इसको ये वो, आई रिमेम्बर 1 month, ओके हो गया, इसको $80 चाहिए, तो इसको $80 दे देते हैं, इंजॉय कर ब्रो, हंस रहा है यार क्या बात है। तो अभी अपन को टॉयलेट्स लेने हैं, तो डायरेक्ट चलते हैं वापस इसके अंदर और डायरेक्ट आते हैं टॉयलेट्स के अंदर। टॉयलेट्स कहाँ हैं भाई, अभी मैंने देखे थे, सबसे पहले मैंने टॉयलेट्स ही देखे थे है ना, हाँ ये रहे टॉयलेट्स। तो अभी एक ही फ्री है, तो 1200 का है वो भी यार, ये ले लेते हैं और टॉयलेट्स लगा देते हैं। कहाँ लगाएंगे, यहाँ तो कहीं नहीं लगाएंगे यार, इतने इतने एरिया के अंदर ही लगाना पड़ेगा, इतने इतने एरिया के अंदर, तो यहीं पे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे साइड के अंदर लगा देते हैं ब्रो, यहाँ पे लग जाए एक, ओके लग गया एक, और दूसरा लगा देते हैं इस साइड, लेडीज़ का अलग और जेंट्स का अलग, तो ताकि कोई आराम से भाई लेडीज़ के प्राइवेसी। तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया है, ओपन ए रेस्टोरेंट एंड सर्व 20 कस्टमर, ओके अपन को 20 कस्टमर सर्व करने, पर मैं एक ही करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी यार वरना। तो अपन को डायरेक्ट यहाँ पे आना है, और यहाँ पे क्यों आना है यार, डायरेक्ट यहीं से ओपन करना है। तो अपने ओपन कर दिया है, द एस्टेब्लिश इज ओपन, ओके अपने यार रेस्टोरेंट ओपन हो गया है। अभी अपन को वेट करना है कि कोई आ जाए, अच्छी बात है कि कोई आ जाए, नहीं आया तो मज़े हो जाएंगे। तो इसको ये किसने खोला यार, बंद हो जा, ये किसने खोला। तो अभी यार अपन को फ्लोरिंग भी करनी है, ऊपर की छतें भी बनानी है, वो अपन धीरे धीरे करेंगे नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। और ये खाना बनाना है, वो क्या यार बाहर देखो जंगल वगैरह, यहाँ पे यार हमारा जो एक अलग से किचन वगैरह है, यहाँ से पेमेंट वगैरह हो जाएगी, पर कोई आ रहा ही नहीं है यार, वेट तो मैं बहुत कर रहा हूँ। तो गाइज बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद में, लगभग 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद में कोई आता हुआ दिख रहा है, ये कौन है, एक लेडीज आती हुई दिख रही है, क्या पता ये क्या ले, प्लीज़ कुछ ना कुछ लेके जाना ताकि मैं ये वीडियो यहीं पे एंड कर सकूं और मैं आगे की और आपको बता सकूं कि आगे और क्या क्या होगा। अभी मेरे को ये भी नहीं पता इसको सेव कैसे करना है। तो डायरेक्ट ये आती है और ये कहती है देर आर नॉट इनॉथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नहीं मिल रहे यार, इसको प्रोडक्ट कहाँ से बाय करें, फूड 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 स्टोर ये रहा, यहाँ से कुछ ना कुछ ले लेते हैं। अभी अपने पास में 6,000 के करीब डॉलर है, तो एक ये ले लेते हैं, टमाटर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये ब्रेड यार जो कि गाइस लोडिंग स्क्रीन के अंदर आता है, ये ले लेते हैं, सेम ले लेते हैं, एग्स ले लेते हैं। तो हमने बहुत सारी चीज़ें ले ली है वे, अभी मत बोलना कि कुछ लिया नहीं, तो अभी डायरेक्ट वापस से इसके अंदर इसको ओपन करना पड़ेगा। अब चूहा आ गया, वाह एक सेकेंड, चूहे साले तू बार बार कैसे आ जाता है, कहाँ है कहाँ है
कहाँ 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 रुको मुझे रुको जरा सब्र रखो। अरे कहाँ जा रहा है बे, कहाँ गया? टेबल के नीचे चला गया क्या, या मैंने पकड़ लिया ये भी नहीं पता मेरे को। आई थिंक मैंने पकड़ लिया, छोड़ो उसको। अभी डायरेक्ट एक और कस्टमर आया है, उससे पहले यार ये जाए भागे उससे पहले अपन को सामान रखना पड़ेगा। अर्जा भाई यार जल्दी जल्दी वरना तू चला जाएगा। तो ये हमने सामान रख दिया है, ये फिर से चला गया, एक और कस्टमर आके खाली हाथ चला गया। क्योंकि हमारा ये नया नया रेस्टोरेंट है तो इसके अंदर सामान वगैरह मेरे पास में इतना है नहीं, ये रख दिया हमने। अभी चलते हैं फिर से बाहर, एक और कस्टमर का वेट करेंगे। अभी भी नहीं हुआ तो यार क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद में हो सकता है कि हमारा रेस्टोरेंट होम डिलीवरी भी करने लग जाए जोमेटो वगैरह की। तो अभी हमने ये रख दिया है, ओके इसको क्लोज कर देते हैं, क्लोज हो जाए। और अभी अपन को डायरेक्ट फूड के अंदर जाना है और देखते हैं क्या होता है। मेन्यू के अंदर जाना है, ये मेन्यू के अंदर ये वाले सारे चेंजेस, ये पता नहीं क्या है, ऑल डिशेज ये हैं और मेन्यू अभी तक मैंने ये रखा है 5 डिशेज का। कोई आ रहा है अभी भी, ये वाला लास्ट देखेंगे, अगर ये भी नहीं कुछ लेती है तो मैं ऑफलाइन ही कर लूंगा यार इससे अच्छा। तो गाइज ये आ गई है, अभी देखते हैं क्या करती है। अगर इसने भी कुछ नहीं, इसने भी कुछ नहीं लिया तो गाइज ये मैं ऑफलाइन कर लूंगा यार, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आज की गेम प्ले वीडियो में बस इतना ही था। मेरा रेस्टोरेंट ये वाला कैसा लगा आप कमेंट कर सकते हो, और गेम प्लेस के लिए आप यार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अपडेट्स के लिए भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही गेम प्लेस देखने हैं तो भी यार आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।